देखो ये दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहेगी जैसी नजर आ रही है। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में हमें कब्रिस्तान नजर आया। तो आपका क्या ख्याल है, 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद हम सब कहाँ होंगे? हम कब्र के अंदर होंगे। लोग कह रहे होंगे ये तारिक मसूद साहब की कब्र है, कोई कह रहा होगा आप इमाम साहब है ना माशाल्लाह, ये इमाम साहब, ये इमाम साहब की खबर है मनोड़ा में, ये नमाज माजरत के साथ इमाम साहब, लोग कहेंगे ना ये इमाम साहब यहाँ मनोड़ा की फला मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे, चलो यार उनकी खबर पे कुछ मगफिरत की दुआ कर लेते। होगा कि नहीं होगा? इमाम साहब आपकी भी खबर होगी, भाई की भी खबर होगी, भाई की भी खबर होगी, भाई की भी खबर होगी, जितने यहाँ बैठे हुए हैं एक दिन ये बैठने के बजाय लेटे हुए होंगे, और बिस्तरों पर नहीं जमीन के अंदर। समझते हो कि नहीं समझते? अल्लाह ने हमें हमेशा के लिए पैदा नहीं किया। जैसे कुरान कहता है मिन्हा खलकनाकुम, तुम्हारी माँ जो रोटी खाती है ना इस मिट्टी से बनती है, वो मिट्टी को अल्लाह मुख्तलिफ मरहलों से गुजारता है। अब आप देखो जमीन में आपको कोई खरबूजा नजर आता है जब आप खरबूजे का बीज डालते हो, है जमीन में घास नजर आती है? जमीन खोद के देखो, गोबर मिट्टी और पानी, ऐसा ही है ना। लेकिन आपने इतना सा बीज डाला खरबूजे का, आपने इतना सा बीज डाला गंदम का, उससे क्या होता है? उसी गोबर मिट्टी पानी के मिलाप से पौधा बनना शुरू, ऐसा ही है ना। अंदर तो पौधा नहीं है, अल्लाह अपनी कुदरत से क्या करता है, उसी गोबर मिट्टी और पानी से खरबूजे की बेल निकलना शुरू। ये गोबर मिट्टी पानी है जो मिलके क्या बन रहा है, पौधा बन रहा है, फिर उसी से गंदम बन रहा है, उसी से खरबूजा बन रहा है, उसी से आम बन रहा है, उसी घास को जानवर खाते हैं जो मिट्टी से बनी थी, उसी घास से गोश्त बन रहा है, उसी घास से दूध बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह अपनी ताकत से मिट्टी से दूध भी बनाता है, अल्लाह अपनी ताकत से मिट्टी से गोश्त भी बनाता है, अल्लाह अपनी ताकत से मिट्टी से खरबूजा भी बनाता है, अल्लाह अपनी ताकत से मिट्टी से आम भी बनाता है, मिट्टी से अनार भी बनाता है। मिट्टी में तो कुछ भी नहीं होता, फिर यही खुराक माँ बाप खाते हैं, औलाद के जरसूमे बनते हैं, यही खुराक खा के मिट्टी गोश में तब्दील होती है, फिर बच्चे में तब्दील होती है। तो अल्लाह कह रहा है मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुम्हें किससे कशीदा है, मिट्टी से। मिट्टी से सब चीजें बन बना के बच्चा 9 महीने में माँ के पेट से बाहर आ गया। फिर जो हम खुराकें खा रहे हैं वो भी किससे बनी हुई हैं? बताओ दुनिया में कोई ऐसा कुमार आपने देखा जो मिट्टी से इतनी सारी चीजें बना लेता हो, है भाई, और हर चीज दूसरे से बिल्कुल अलग, कोई देखा दुनिया में आपने? कुरान क्या कहता है, आप खूब इसको समझें। अल्लाह कहते हैं जैसे मैंने अपनी कुदरत से मिट्टी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के तुम्हें इंसान बना दिया, ऐसे ही मैं फीहा नुईदुकुम, तुम्हें दोबारा क्या बना दूंगा, मिट्टी बना दूंगा मैं। ये तो हम कब्रों में मुर्दों को मिट्टी बनते हुए देखते हैं। अगर हमने ये अमल ना देखा होता, कोई आपसे आके कहता है इमाम साहब मिट्टी बन जाएंगे, आपसे कहता ये साहब मिट्टी बन जाएंगे, साहब को गुस्सा आता कि नहीं आता? साहब कहता मैं कैसे मिट्टी बन जाऊंगा भाई, मेरी आंख है, मेरी नाक है, मैं मिट्टी कैसे बन जाऊंगा? लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत से दोबारा मिट्टी बनाता है कि नहीं बनाता? मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, दोबारा क्या कर देंगे, मिट्टी। आप मैयत को कब्र में दफना के छोड़ दें, शुरू में उसमें कीड़े पड़ेंगे, लाश फटेगी, गलेगी, सड़ेगी, बदबू आएगी, होते 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 कीड़े जब खा खा के ख़त्म कर देंगे तो कीड़े भी बिलाखिर मर जाएंगे, फिर वो लाश ख़त्म होते 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 एक हड्डी बाकी रह जाएगी, फिर होते 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 वो हड्डी भी मार्केट से शॉर्ट, फिर आप कब्र खोद के देखेंगे बंदा मार्केट से क्या हो गया है भाई, वो शॉर्ट नहीं हुआ, वो मिट्टी में तब्दील हो गया है, समझ रहे हैं, वो सब क्या बन गया है, मिट्टी बन गया है। हर चीज मिट्टी से बना के दोबारा अल्लाह क्या कर देता है, मिट्टी। अगर सिर्फ इतनी सी बात होती ना मेरे भाई कि हम मिट्टी से बन के मिट्टी में जाके खत्म हो जाते तो फिर टेंशन की बात नहीं थी। हम कहते हैं मिट्टी से जब हम इंसान बने तो थोड़ा सा टाइम हमें मिला है दोबारा मिट्टी बनने के लिए, इस दौरान जितने मजे उड़ा सकते हो उड़ा लो, 4 दिन की जिंदगी है फिर अंधेरी रात है, क्या ख्याल है भाई? तो हम क्या करते, लाइफ को इंजॉय करते जैसे अंग्रेज इंजॉय करते हैं, नाइट क्लबों में नाचते हैं, शराबें पीते हैं,
लड़कियों से दोस्तियां लगाते हैं, जिना करते हैं, माँ बाप को घर में नहीं रखते, ओल्ड हाउस में जमा करा देते हैं, अब्बा अम्मा के हुकूक उनके मुआशरे में नहीं है, सूद भी खा लेते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं, नशा भी करते हैं, गुटके वुटके चरस हीरोइन तो सारी वहां से आई है ना हमारे माशरे में। लेकिन अल्लाह ने कुरान में हमें बता दिया कि मैंने जब तुम्हें मिट्टी से बनाया है ना और मिट्टी में दोबारा लेकर गया हूं, तो ये मैंने अपनी कुदरत जो तुम्हें दिखाई है सिर्फ जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए नहीं दिखाई है मैंने ये कुदरत तुम्हें, कि तुम्हारी नॉलेज में इजाफा हो जाए कि हम ऐसे बने थे और ऐसे खत्म हो गए। सुभान अल्लाह, बड़ा मजा आया भाई, जबरदस्त बात हो गई। अंग्रेज यही समझता है, अंग्रेज कहता है खुदा ने हमें मिट्टी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के बनाया और दोबारा मिट्टी में ले गया, खत्म कहानी। वो इस पर रिपोर्ट पेश कर देगा, ठीक है ना, वो उस पर साइंसी तहकीकात पेश कर देगा, इंसान ऐसे बनता है, ऐसे खत्म होता है, किस्सा खत्म। अल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं है, मैंने दो तरीके तुम्हें दिखाए हैं ये साबित करने के लिए कि जो मिट्टी से बना सकता है फिर दोबारा मिट्टी में ले जा सकता है, इसी मिट्टी को रिवर्स गियर लगा के दोबारा तुम्हें जिंदा करेगा कयामत के दिन। तो भाई हम खत्म होने के लिए दुनिया में नहीं आए, ये पूरी कायनात अल्लाह ने मेरे और आपके लिए बनाई है, इसका मकसद वाजे है, मुझे और आपको अल्लाह ने बनाया लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ये देखना चाहता है तुम में अच्छा अमल कौन करता है। अच्छा बन के जाओगे तो फिर दोबारा जब इंसान बनोगे अच्छा बदला मिलेगा, बुरा बन के जाओगे तो जब दोबारा अल्लाह तुम्हें जिंदा करेगा तो जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। तो आज से अपनी नियतें कर लो, हमने अपने अमल को क्या करना है, सही करना है। हम हमेशा ऐसे जिंदा नहीं रहेंगे। दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जो मौत से पहले पहले बुराइयों को छोड़ दे। अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह का हक अदा करना है।